Hello guys, and good afternoon. Welcome to Example. Today we are going to discuss a chapter of NCRT Class 7, and the chapter name is the Natural Vegetation and the Wildlife. In the previous sessions, we have discussed the all the previous chapters of Class 7 and the classic NCRT of Geography. So you watched all the sessions from the beginning to the these sessions, and today we are going to uh, discuss this chapter and further we will discuss the uh, entire yeah, whole ncert from 6 to class 12th for basic strongness that's why you can understand the terminologies of the geography and the, some basic facts some basic information related the related about the geography subject okay so uh, you can uh, form your strong foundation clear so ajam look. Uh, ये चैप्टर डिस्कस करेंगे आगे और इस चैप्टर में uh, मैंने आपको पहले बताया था कि प्रीवियस जो सेशंस हैं उसको आप देख लीजिए जिन लोगों ने शुरू से कंटिन्यू फॉलो किया है उन्हें तो सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी या जो लोग फर्स्ट डे आज इस सेशन को देखेंगे वो प्रीवियस सेशन को जरूर देख लेंगे एक बार ठीक है और uh, हम लोग यहाँ पे लाइन वाइज या uh, एक एक लाइन करके पूरा पूरी एनसीईआरटी को कवर करने की कोशिश करेंगे जय हिंद गुड इवनिंग टू एवरी वन गुड आफ्टरनून नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ इसके पहले मैंने आपको पढ़ा था एयर के बारे में उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एक पूरा चैप्टर वाटर से रिलेटेड तो वाटर से रिलेटेड चैप्टर एयर से रिलेटेड चैप्टर उससे पहले हम लोगों ने और भी देखा था हमारे अर्थ पे क्या क्या चीज़ें हैं उससे रिलेटेड आज हम लोग का जो चैप्टर है वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ इम्पोर्टेंट चैप्टर है इसको आप सभी लोगों को ध्यान से पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ठीक है सलीमा वॉज एक्साइटेड अबाउट द समर कैंप शी अटेंडिंग ठीक है यहाँ पे देखो मैंने हमेशा बताया कि ज्योग्राफी के या एनसीआरटी की जो भाषा होती है उस भाषा में आपको किसी ना किसी केस स्टडी के साथ में चैप्टर की स्टार्टिंग किया जाता है और ऐसा ही कुछ हमें अपने मेंस के आंसर राइटिंग के समय यूज करना होता है कि अगर हम किसी भी एक सब्जेक्ट मैटर को कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से रिप्रेजेंट करें तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होगा मेन एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के दौरान उसमें से कुछ चीजें हमें यहां से सीखनी होगी ठीक है बेटा आ, हिंदी मीडियम मीडियम में भी एनसीईआरटी की क्लास चल रही है उजाड़ सर ले रहे हैं तो आप लोग वहां पे जिन लोगों को हिंदी मीडियम में चीजें डिस्कस करनी तो आ, पूरी तरीके से हिंदी मीडियम की क्लास जो है वो उजैर सर ले रहे हैं हिंदी मीडियम की एनसीआर की क्लास और आई थिंक वो मॉर्निंग में ग्यारह बजे से चलती है तो आप लोग वहां पर उस क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा ठीक है जिनको हिंदी में और जिनको इंग्लिश में करनी है या जिनको बाइलिंगल में करना है वो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं ठीक तो दोनों जगह पे आपको एन की क्लासेस मिल जाएंगी uh, तो यहाँ पे देखो कि सलीमा वाज एक्साइटेड अबाउट द समर कैंप शी वाज अटेंडिंग यानी ये जो लेडी है या जो लड़की है इसका नाम जो सलीमा है ये क्या करती है समर कैंप जो है वो अटेंड करती है और उसके बारे में ये क्यूरियस है यानी इस ये अभी उसके बारे में आ, हेलो सम टेक्निकल इश्यूज की वजह से अभी हम लोग uh, का कनेक्शन कट गया था आई होप आपको मैं यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही होंगी और मेरी आवाज़ भी आप तक पहुँच रही होगी ठीक है मैं ऑडिबल और विजुअल दोनों आपके तक पहुँच रहे हैं हम लोग जो लास्ट पॉइंट डिस्कस किए थे मैंने स्टार्टिंग किया था जिसमें मैंने आपको बताया था शी हैड गॉन टू विजिट मनाली इन द हिमाचल प्रदेश अलॉन्ग विद हर क्लासमेट्स ठीक है यानी ये जो समर कैंप होता है उसका बहुत ज्यादा क्यूरोसिटी से वेट कर रही है क्योंकि लास्ट टाइम ये जो है वो मनाली गई हुई थी अपने क्लासमेट के साथ शी रिकॉल्ड हाउ सरप्राइज शी वॉज टू सी द चेंजेस इन द लैंड फॉर्म एंड द नेचुरल वेजिटेशन एज द बस क्लाइं हाइयर एंड द हाइयर देखो यहाँ पे इसने इसका इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि वो सरप्राइज थी क्योंकि वो प्लेन एरिया की रही होगी और जब वो मनाली के रीजन में जैसे उसके जैसे जैसे उसकी बस जो है वो हाइयर लैटीट्यूड पर जाना स्टार्ट किए तो उसने चेंजेस देखे लैंडफॉर्म चेंज होता हुआ दिखाई पड़ा उसको यानी जो आप प्लेन एरिया में जो चीजें देखते हो वो अगर आप एक हाइयर लैटीट्यूड पर जाते हो तो वहां पर चेंज आपको देखने को मिलता है ठीक है ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं ठीक है द डीप जंगल्स ऑफ द फुट हिल्स कंप्राइजिंग सॉल्व एंड टेक स्लोली डिस ठीक है यानी अगर आप किसी भी माउंटेनियस रीजन में या इंडिया में हम लोग देखें सपोज़ करते हैं हिमालय के क्षेत्र में और आप इस प्लेन एरिया से हिमालय के क्षेत्र पर जाओगे तो मनाली की लोकेशन हाई एल्टीट्यूड पर है तो जब आप इस प्लेन एरिया से जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे वैसे वैसे क्या होगा यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे तो इसने क्या देखा कि जो फुट हिल होता है फुट हिल का मतलब ये वाला जो रीजन होता है जो फुट foot... यानी हिल के फुट के पास में ये वाला जो एरिया होता है तो यहाँ पे जो फुटहिल रीजन है यहाँ से जैसे जैसे ये यानी अल्टीट्यूड बढ़ा वैसे वैसे क्या हुआ कि ये चेंजेस देखने को मिले जो फुटहिल एरिया में उसको कैसे पेंट दिखाई पड़ रहे थे जिसमें टीक के वृक्ष दिखाई पड़ते टीक दिखाई पड़ रहा था सॉल के ट्रीज दिखाई पड़े थे ये धीरे धीरे चेंज हो गए और डिसअपियर हो गए यानी फूट हिल एरिया में तो ये सॉल और टी के प्लांट्स दिखाई पड़ रहे थे लेकिन जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ा ये चेंजेस होते चले गए यानी ये बदलते हुए चले गए सॉरी चेंज नहीं ये डिसअपेयर हो गए यानी वहां पर वेजिटेशन चेंज हो गई ठीक है शी कुड सी टॉल ट्रीज विथ थिन पॉइंटेड लिप्स एंड कोन शेप्ड कैनोपीज ऑन द माउंटेन स्लोप्स और जब वो हाई स्लोप पर गई तो उसने देखा कि ये जो माउंटेन स्लोप्स हैं यहां पर बहुत बड़े बड़े यानी लंबे पेड़ हैं और इनका जो इनकी जो लीप्स हैं वो बहुत उनकी जो आगे का वो है, और इन जो पेड़ हैं यानी ये जो प्लांट्स हैं इनकी कैनोपी कोनिकल शेप में है कैनोपी मतलब होता है कि अगर मान लो कोई प्लांट है तो ये जो इसका ऊपरी क्षेत्र होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं कैनोपी बोलते हैं कैनोपी ठीक है और ऐसे में जब आप किसी माउंटेनस रीजन में जाओगे तो आपको जो प्लांट्स दिखाई पड़ेंगे वो कुछ इस तरीके से इस तरीके का उनका शेप होता जाता है जैसे आप लोग क्रिसमस ट्री देखते हो उस क्रिसमस ट्री का जो शेप है वैसे शेप के वहाँ पे प्लांट्स देखने दे, मिल देते हैं और वो कॉनिकल शेप होते हैं इसलिए उनको कोनीफेरस शेप या कोनीफेरस फॉरेस्ट या कोनीफेरस प्लांट कहा जाता है तो जहाँ पे अभी डेंस फॉरेस्ट दिख रहे थे वहीं पर धीरे धीरे क्या होते चले गए माउंटेन स्लोप्स पर कैसे प्लांट्स मिल रहे हैं जो कि उनका जो है शेप्ड कैनोपी होती है और उनकी पॉइंटेड लिप्स होती है यानी यानी थिन पॉइंटेड होती 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 है जो उनकी हैं हैं है, वो पतली है, और आगे पॉइंटेड फॉर्म में दिखाई पड़ती है पाइन पाइन को अगर आप देखो, तो जो है, उसका प्लांट उसे पता चलास ट्रीज आर द्रीज आर द्रीज आर द्रीज आर द्रीज द्रीज। ठीक है जब उसने देखा तो दीज ट्रीज आर दोनिफेरस सी नोटिस ब्लूम्स ऑफ द ब्राइट फ्लावर्स ऑन द टॉल ट्रीज ठीक है इसने नोटिस किया कि यहाँ पर बहुत ही ब्राइट जो है फ्लॉर्स यानी जो फूल हैं वो इन बड़े बड़े पेड़ों पर जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं उसको ठीक है दीज वर द ठीक है दिस वर द रोडोडेंड्रॉन्स फ्रॉम ये जो प्लांट्स है यानी जो फ्लावर्स हैं इन फ्लावर्स का नाम दिया गया है ये फ्लावर्स का नाम आपको ध्यान रखना है ये इम्पोर्टेंट फ्लॉर है से क्वेश्चन बन सकता है फ्रॉम मनाली शी शी अप द द रोहतांग पास सॉ दैट लैंड वॉज द कवर्ड विद द शॉर्ट ग्रासेस एंड स्नो इन द सम प्लेसेस तो देखो यहाँ पे जब वो मनाली से रोहतांग पास से होते हुए यानी रोहतांग पास की तरफ ट्रेवल किया तो उसने देखा कि स्मॉल ग्रासेस दिखाई पड़ रही हैं यानी क्या हो रही हैं स्मॉल ग्रासेस दिखाई पड़ रही है, हैं मूव करते समय तो कहने का सेंस क्या है कि यहाँ पे जैसे जैसे आप प्लेन एरिया से अपने एल्टीट्यूड पर यानी आप माउंटेनस एरिया में आप एल्टीट्यूड बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिल रहा है वेजिटेशन में पहले यहाँ पे कैसे फॉरेस्ट मिल रहे थे डेंस फॉरेस्ट मिल रहे थे और यहाँ पे सॉल और टीक जैसे टीक के जो वेज, वेजिटेशन है वो मिल रही थी और जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ोगे डीप जंगल मिल रहे थे डेंस फॉरेस्ट मिल रहे थे आगे आगे जाने पर इसमें चेंजेस होता गया और वो अपने इस चीज को रिकॉल कर रही है यानी ये क्या कर रही है रिकॉल कर रही है एक जो है यहाँ पे एक कैरेक्टर दिया गया उस कैरेक्टर को यहाँ पे रिकॉल करके और इंटर रिलेट करने की कोशिश की जा रही है ठीक है आपको यहाँ पे क्या समझना है देखो ये तो एक स्टोरी यानी एक स्टडी हुई और आपको यहाँ पे समझना है कि जब हम अपना एल्टीट्यूड चेंज कर रहे हैं तो एल्टीट्यूड चेंज करने के दौरान यहां पे वेजिटेशन में भी वेरिएशन आ रहा है वेजिटेशन में वेरिएशन कैसे आ रहा है जब आप फुटहिल्स रीजन में होते हो तो वहाँ पे आपको डीप फॉरेस्ट या डीप जंगल ऐसे फॉरेस्ट मिलते हैं जो कि कोनीफेरस फॉरेस्ट होते हैं और सॉरी ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो कि डेसिडुअस फॉरेस्ट के एग्जाम्पल होते हैं जैसे जैसे आप हाई अल्टीट्यूड पर जा रहे हो फिर आपको कोनीफेरस फॉरेस्ट मिल रहे हैं और ज़्यादा उसके हाई अल्टीट्यूड पर जा रहे हो तो वहाँ पर आपको स्मॉल वेजिटेशन या वहाँ पे स्मॉल ग्रास वगैरह मिल रहे हैं तो ऐसे में ये वेरिएशन हो रहा है इस वेरिएशन को आपको समझ के रखना है फ्रॉम चेंज इन हाइट. देखो अभी इस जो इसने ये जो केस स्टडी बताई गई है इस केस स्टडी को अगर हम कंक्लूज करें कंक्लूड करें तो इस कंक्लूजन पे हम लोग ये बता सकते हैं कि हाइट का यानी जैसे जैसे हाइट में इंक्रीमेंट हो रहा है या हाइट इंक्रीज कर रही है वैसे, वैसे वैसे वेजिटेशन भी चेंज हो रही है वेजिटेशन चेंज हो रही है तो इसका मतलब हाइट का वेजिटेशन के साथ में कोई ना कोई रिलेशन हो रहा है तभी तो वेरिएशन हो रहा है ठीक है क्लियर तो ऐसे कंडीशन में आपको यह ध्यान रखना कि वेजिटेशन का हाइट के साथ में एक रिलेशन है क्लाइमेट एंड जब हाइट चेंज होगी ठीक है यानी जब हाइट चेंज होती है तो हाइट के चेंज होने के कारण से जो है वो क्लाइमेट चेंज होता है और क्लाइमेट चेंज होता है तो क्लाइमेट के साथ साथ में वेजिटेशन चेंज होती है मैंने आपको बताया था कि अगर हाइट चेंज होती है तो हाइट के चेंज होने पर यानी अगर हाइट चेंज होती है तो टेम्परेचर भी चेंज होता है और टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी जगह की क्लाइमेट को डिटरमाइन करने में तो क्लाइमेट को डिटरमाइन करने में टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है तो अगर हाइट चेंज होगी तो टेम्परेचर चेंज होगा ठीक है यानी टेम्परेचर इसमें हाइट में अगर चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज होगा टेम्परेचर चेंज होगा तो क्लाइमेट में भी यहाँ पे वेदर में या क्लाइमेट में भी वेरिएशन आएगा तो क्लाइमेट में जब वेरिएशन आएगा तो क्लाइमेट के आधार पे ही यानी जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है उसी क्लाइमेटिक कंडीशन के बेस पर वहाँ की वेजिटेशंस होती हैं तो इन वेजिटेशंस में भी वेरिएशन आएगा तो आपको यह ध्यान रखना है कि हाइट और वेज veg, वेजिटेशन में क्या होगा अगर इसमें चेंज होगा तो यहाँ पर भी चेंज होगा यानी ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं क्लियर The growth of the vegetation depends on the temperature and the moisture. द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड द मॉइस्चर हम लोग अपने बायोलॉजी के बायोलॉजी में आपको स्कूल टाइम पे या पढ़ाया गया है कि किसी भी पेड़ को या किसी भी प्लांट को ग्रोथ करने के लिए किसकी किसकी रिक्वायरमेंट होती है तो पहले तो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है टेम्परेचर के साथ साथ में ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट होती है यानी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और साथ ही साथ में उसको सॉइल या जहाँ पे वो स्टैब्लिश किया जाएगा सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है तो सॉइल वाटर एंड एयर यानी सॉइल में सॉइल वाटर एयर और टेम्परेचर ये कुछ बेसिक जो है वो कंपोनेंट्स हैं जो किसी भी प्लांट के लिए इसेंशियल होते हैं तो ऐसे कंडीशन में ये इसेंशियल जो है वो कंपोनेंट है टेम्परेचर एंड मॉइस्चर इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्टर लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ द सॉइल तो अगर हमसे कोई पूछे कि वेजिटेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं यानी वेजिटेशन को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उन फैक्टर्स को आप बताओ तो आप इसमें क्या बता सकते हो देखो यहाँ पे कि पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो कौन सा है टेम्परेचर दूसरा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होगा वो कौन सा होगा ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होगा वो क्या होगा कि स्लोप या एल्टीट्यूड हम कह सकते हैं एल्टीट्यूड या स्लोप स्लोप हो सकता है और तीसरा क्या डिपेंड कर यानी और कौन सा होगा लास्ट में सॉइल सॉइल का नेचर सॉइल की थिकनेस

उसमें की वेजिटेशन आपको वेरी कर जाएगी जैसे आप अभी नॉर्थ इंडिया में डेली में हो यहां के प्लांट्स आप देखोगे तो आपको दूसरे टाइप के होंगे बट आप केरला चले जाओ वहां के प्लांट्स आपको दूसरी तरह, दूसरी तरफ तरह मिलेंगे अगर आप जम्मू कश्मीर के रीजन में चले जाते हो तो वहां के वेजिटेशन आपको वैरी करते हुए मिलेगी अगर आप अरुणाचल प्रदेश के रीजन में चले जाओ तो वहां की वेजिटेशन आपको दूसरे टाइप की मिलेगी तो यानी ये वेरिएशन हो रहा है और जो थिकनेस है यानी डेंसिटी डेंसिटी ऑफ द फॉरेस्ट या डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन भी वैरी करती है आप राजस्थान के रीजन में चले जाइए तो राजस्थान के रीजन में आपको जो वेजिटेशन डेंसिटी है वो बहुत कम मिलेगी अगर आप वहीं पे केरला तमिलनाडु कर्नाटका के रीजन में चले जाओ तो वहाँ पे वेजिटेशन डेंसिटी अधिक मिलेगी ज़्यादा मिलेगी अगर आप तमिल आप अंडमान निकोबार के रीजन में चले जाओ तो वेजिटेशन डेंसिटी हाई मिलेगी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चले जाओ तो वेजिटेशन डेंसिटी हाई मिलेगी सेंट्रल इंडिया में आ जाओ तो वेजिटेशन डेंसिटी आपको मीडियम मिलेगी तो वेजिटेशन डेंसिटी और इसके टाइप दोनों क्या होते हैं यानी वेरी करते हैं और इसके वेरिएशन के पीछे का जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर फैक्टर क्या होता है कि जो है जो वेदर होते होते हैं हैं या क्लाइमेटिक फैक्टर्स ये भी क्या करते वेरी करते हैं और इन्हीं वेरिएशन के कारण से इसमें भी वेरिएशन होता है ठीक है नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इंटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज ठीक है यानी नेचुरल वेजिटेशन तो आपको ये ध्यान रखना है नेचुरल वेजिटेशन को मैं पहले भी एक बार क्लियर कर चुका हूं कि नेचुरल वेजिटेशन में वो वेजिटेशन शामिल होते हैं जिसमें ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस नहीं होता है यानी जो वेजिटेशन नेचुरली ग्रो करते हैं वो नेचुरल वेजिटेशन के तहत आते हैं और वो वेजिटेशन जिसमें ह्यूमन बीइंग का ह्यूमन बीइंग का इंटरवेंशन होता है उसको उसको जो है वो नेचुरल वेजिटेशन के अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं सपोज करो कि आपने अपने गार्डन में प्लांट्स लगा रखे हैं और उसका आप केयर करते जा रहे हो केयर करते हो उसमें आपको लगता है कि यहाँ पे अगर फर्टिलाइजर की जरूरत है ग्रोथ रुक गई तो आप फर्टिलाइजर दे दे रहे हो अगर उसमें कोई इंसेक्ट लग जा रहे हो तो आप इंसेक्टिसाइड्स डाल रहे हो वहां पे पेस्टिसाइड डाल दे रहे हो तो इसका मतलब आप उसकी केयर कर रहे हो नेचुरली ग्रो नहीं कर रहा उसमें आपका इंटरफेरेंस है तो वो नेचुरल वेजिटेशन में अगर आप किसी एक प्लांट को कहीं पर जाके लगा भी दिए और लगाने के बाद में आपने उसको सेप्पल कर दिया और सेपल करने के बाद में आप उसको छोड़ दिया वैसे ही और वो नेचुरली ग्रो कर रहा है उसमें आपका कोई जो है इंटरवेंशन नहीं है तो ऐसे में वो नेचुरल वेजिटेशन में काउंट किया जाएगा बट आपका गार्डन का जो प्लांट होगा उसको हम लोग नेचुरल वेजिटेशन में शामिल नहीं करते हैं तो नेचुरल वेजिटेशन का सेंस आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि नेचुरल वेजिटेल में क्या-क्या आता है नेचुरल वेजिटेशन को हम ब्रॉडली तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं जिसमें पहला जो पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं फॉरेस्ट यानी फर्स्ट जो यहाँ पे पार्ट दिया गया वो क्या है फॉरेस्ट तो फॉरेस्ट क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द फॉरेस्ट और ये टाइप ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन अगर आपसे कोई पूछे कि टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन में तो आप बोल सकते हो कि कितने टाइप में डिवाइड करते, है करते हैं नेचुरल वेजिटेशन को बेसिकली हम लोग थ्री टाइप में इसको डिवाइड करते फर्स्ट इज द फॉरेस्ट व्हिच ग्रो वेयर द टेंपरेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट द ट्री कवर ठीक है यानी अगर फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में जो लार्ज प्लांट्स होते हैं या लॉन्ग प्लांट्स होते हैं वो पाए जाते हैं और लार्ज प्लांट्स जो होते हैं इनकी वाटर रिक्वायरमेंट और इनकी जो वाटर रिक्वायरमेंट और टेम्परेचर रिक्वायरमेंट या फोटोसिंथेसिस का जो रेट होगा ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हाई होती हैं जितना बड़ा प्लांट होगा उत, उतना ही ज़्यादा जितना बड़ा जो है ट्री होगा उतना ही ज़्यादा उसको क्या होगा उसकी बायोटिक एक्टिविटीज एक्टिव होंगी उसको बायोलॉजिकल रिएक्शन उतना ही ज़्यादा करना होता है तो इसके लिए उसको ज़्यादा मात्रा में वाटर और ज़्यादा मात्रा में उसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है तो ऐसी कंडीशन में जो फॉरेस्ट होता है वो फॉरेस्ट का डेवलपमेंट मोस्टली उसी रीजन में हो पाता है जहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा होता है और साथ ही साथ में वहां पर जो वाटर सप्लाई भी ज्यादा होती है यानी जो रेनिंग है या ह्यूमिडिटी है वो ह्यूमिडिटी भी वहां पर ज्यादा होती है ठीक है तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कब के जो फॉरेस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है हाई टेम्परेचर प्लस हाई रेनफॉल जो है वो इसको कवर करती है डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट क्रोन और इन्हीं फैक्टर्स के आधार पर जो डेंस और ओपन फॉरेस्ट जो होते हैं ये ग्रो करते हैं ठीक है तो फॉरेस्ट का एरिया आपको ध्यान रखना है जहां पे हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होगा वहां पे फॉरेस्ट एरिया डेवलप होगा फिर उसके बाद में दूसरी जो नेचुरल वेजिटेशन की कैटेगरी है वो है ग्रासलैंड और तीसरी जो होती है उसको कहते हैं श्रब्स ठीक है तो ग्रासलैंड विच ग्रो इन द रीजन ऑफ द मॉडरेट रेन ठीक है ग्रासलैंड का मतलब क्या हुआ देखो जहां पे हाई रेनिंग होगी वहां पे वाटर सप्लाई ज्यादा है और अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहां पे फॉरेस्ट ठीक है अगर मॉडरेट रेन है यानी यहां पे बहुत बड़े-बड़े वाटर यानी बहुत बड़े-बड़े जो प्लांट्स हैं उनकी वाटर सप्लाई कंप्लीट नहीं हो सकती है तो ऐसे में यहाँ पे बड़े प्लांट्स नहीं होंगे छोटे स्मॉल प्लांट्स होते हैं और यहाँ पे ग्रासलैंड्स ज्यादा होती हैं तो ऐसे में इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं ग्रासलैंड ठीक है ग्रास और जहां पे लोट रेनिंग होती है वहां पे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जो अपने लीव्स को अपने पत्तियों को थॉर्न्स में कन्वर्ट कर चुके होते हैं कांटों में कन्वर्ट कर चुके होते हैं और इनको हम लोग बोलते हैं श्रब्स ठीक है जिनको हम लोग हिंदी में अगर देखो तो हिंदी में झाड़ी कहा जाता है इसको झाड़ियां ठीक है क्लियर तो ये आपको देखना है यहाँ पे थॉर्नी श्रब्स ठीक है ये आपको डायग्राम में दिखाई पड़ रहा होगा अगर राजस्थान के रीजन में आप जाओ तो कटीली झाड़ियां आपको दिखाई पड़ती हैं तो श्रब्स क्या होते हैं थॉर्नी श्रब्स आर द श्रब्स एंड श्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन जहां पे लो रेनफॉल होता है ड्राई एरिया होता है वहां पे इसका डेवलपमेंट होता है क्लियर तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अभी तक आपने क्या देखा द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द नेचुरल वेजिटेशन कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उसके बाद में आपने देखा कि टाइप ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन देर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन फर्स्ट इज द फॉरेस्ट सेकेंड इज द ग्रासलैंड एंड थर्ड इज द श्रब्स Forest region is where there is a high rainfall and the high temperature and the grassland region where the moderate temperature and the moderate rainfall and the steps where the rainfall is very low that's why the region is uh, experience the dryness and sometime it is known as the arid region clear तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ तक की बातें आपको I think clear हुआ हो होगा और क्या-क्या आपने समझा यहाँ पे उसके बाद में हिमालयन ट्रिप विद हर फादर ठीक है और अब सलीमा जो है अपने फादर के साथ में यानी जो अभी तक की बातें बता रही थी वो किसको बता रही थी अपने वर्ल्ड और उसके जो पिताजी थे वो बहुत सारे प्लेसेस पे वर्ल्ड के कई सारे प्लेसेस के में वेरी किए टोल्ड सलीम अवाउट हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ द वैराइटी ऑफ वेजिटेशन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द डिफरेंट कॉन्टिनेंट तो अभी ये जो लेट यानी ये जो बच्ची है ये बच्ची किसके बारे में बात कर रही है हिमालय यानी इंडिया के बारे में बात कर रही है और इसके जो फादर हैं वो फादर जो है वो कई सारी कंट्रीज में मूव यानी कई सारे कंट्रीज को में विजिट किए हुए हैं तो ये जो बातें बता रहे हैं वो कैसे होगी पूरे कॉन्टिनेंट की यानी इंटरनेशनल लेवल पर बातें बता रहे हैं तो ये अभी बताएंगे यानी इन इनके द्वारा क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो भी आप देखते हैं ही मैंशनड अबाउट द कॉनीफोरेस्ट फॉरेस्ट इन द सब पोलर रीजन थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन ह्यूमिड रीजन एंड द मेनी मोर ठीक है इन्होंने क्या बताया कि ये जो इंडिया में इसने देखा कि कुछ जगहों पर थॉर्नस पाए जाते पाई जाती हैं कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा हार्डवुड के प्लांट्स पाए जाते हैं और कुछ जगहों पर जो है वो कोनी फेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं तो सब पोलर रीजन कहाँ पर इन्होंने बताया सब पोलर रीजन तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि इनके द्वारा क्या डेफिनेशन दी गई और उसको हम लोग कैसे समझते हैं देखो एक्चुअली होता क्या है कि हमारी जो अर्थ है इस अर्थ पर जो ये इक्वेटर का पार्ट है इस इक्वेटर के पार्ट को हम लोग बोलते हैं यानी इसको बोलते हैं लो लैटिट्यूड एरिया ये हमारा जो है वो पोल का एरिया है ठीक है और ये 90 डिग्री साउथ ठीक है 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ का रीजन क्लियर अब ऐसे में इन्होंने क्या बताया इसके फादर ने कि हमारे वर्ल्ड में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर हार्ड वुड फॉरेस्ट मिलते हैं हार्ड वुड फॉरेस्ट का मतलब बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट या ऐसे वो फॉरेस्ट जिनकी वुड बहुत ज़्यादा हार्ड होती है ठीक है तो आप ये देखो कि हार्ड वुड फॉरेस्ट जहां पर मिलेंगे हार्ड वुड फॉरेस्ट वहां मिलेंगे जहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथिस ज़्यादा होगा और रेट ऑफ फोटोसिंथिस वहां ज्यादा होगा जहां पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा इक्वेटर का पार्ट है ये वाला जो इक्वेटर के आसपास का रीजन है इस रीजन में यानी इक्विटोरियल रीजन में अगर आप देखो तो यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा और अगर यहां होगी हार्ड वुड हो 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 फॉरेस्ट इस रीजन में मिलेंगे ये जो सब पोलर है यहाँ पे ठीक है पोल और उसके आसपास का एरिया इस पोलर, सब पोलर में यहाँ पर, अगर आप जाओ तो इस रीजन में टेम्परेचर टेचर डाउन होता है डाउन होगा टेम्परेचर डाउन होता है तो ऐसे में इस एरिया में स्नो फॉल होती है स्नो फॉल होती रहती है और स्नो फॉल से बचने के लिए जो पेड़ होते हैं वो अपने शेप को ऐसे कर लेते हैं जिससे वो स्नो उनकी ब... प्लांट्स के ऊपर से यानी पत्तियों पर ना रुके और वो नीचे चले जाए तो ऐसे फॉरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं कोनी फेरस फॉरेस्ट तो जो सब पोलर रीजन होता है वहां पे कैसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं कोनी फेरस फॉरेस्ट ये एरिया दोनों साइड में ठीक है इस एरिया में तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट नहीं है तो मेनली ये यहां पर मिलते हैं नॉर्दर्न एमेस्फेयर में ठीक है और जहां जहां पे डेजर्ट है डेजर्ट का जो मेनली डेवलपमेंट होता है वो ट्वेंटी टू थर्टी डिग्री के बीच में होता है और भी बहुत जगहों पर है लेकिन ट्वेंटी टू थर्टी डिग्री लैटिट्यूड में वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पर डेजर्ट होते हैं तो जहाँ पर डेजर्ट होगा तो डेजर्ट एरिया में वाटर सप्लाई कम होगी और वाटर सप्लाई अगर यहाँ पे कम होगी डेजर्ट क्या होता है जहाँ पे वाटर सप्लाई कम होती है और जहाँ की बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी लो होती है यानी एक ऐसा एरिया जहाँ की बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी लो होती है उसको हम लोग डेजर्ट कहते हैं ठीक है तो डेजर्ट में जहाँ पे वाटर सप्लाई क्या होगी लो होगी और वाटर सप्लाई की लो होगी तो प्लांट्स को वाटर की रिक्वायरमेंट अधिक होती है वाटर कम होगा तो ऐसे में प्लांट्स क्या होंगे ऐसे प्लांट्स होंगे जिनको वाटर सप्लाई कम होती है तो ऐसे में यहाँ पे क्या होगी श्रब्स और श्रब्स में वो श्रब्स भी हो सकती हैं जो अपने ट्रांसप्रेशन के रेट को कम करने के लिए अपने प्लांट्स अपनी ट्री प्लांट, यानी अपने लीव्स को वो थॉर्न्स में कन्वर्ट कर चुकी होती हैं। तो डेजर्ट एरिया में श्रब्स पाए जाएंगे ठीक है टेम्परेट में स्नोफॉल एरिया में फॉरेस्ट पाए जाएंगे, इक्विटोरियल एरिया में जो है हार्डवुड फॉरेस्ट पाए जाते हैं इसके फादर के द्वारा ये डिस्क्राइब किया गया कि हमारे वर्ल्ड लेवल पे भी क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेजिटेशन पाए जाते हैं क्लियर

लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी टेम्परेचर कम होता है तो वही वेरिएशन यहाँ पर भी देखने को मिलता है तो कहने का सेंस ये है कि और कई सारे स्कॉलर्स जोग्राफिकल स्कॉलर्स ने यह भी बताया कि अगर आपको पूरे वर्ल्ड की क्लाइमेटिक कंडीशन को पढ़ना हो यानी पूरी दुनिया में जो क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती है जो क्लाइमेटिक वेजिटेशन पाई जाती है उस वेजिटेशन की स्टडी करना हो तो आप इंडिया चले जाओ और इंडिया की सारी स्टडी कर लो वैसे ही सारे टाइप पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं यानी जो पूरे वर्ल्ड में जितने टाइप पाए जाते हैं वो सारे इंडिया में पाए जाते हैं तो ये इंडिया की एक खूबसूरती है एक थोड़ा सा आप देखो एग्जाम्पुल का जो इंग्लिश मीडियम का चैनल है वो आप देखो स्कूल फॉर सिविल सर्विसेज बाई Example, ये चैनल का नेम है ठीक है तो जिनको मैंने एप्लीकेशन आप, पे मैंने बताया था वो रिकमेंड किया था वो अब यहां पर भी और ये एनसीआर की क्लासेस दोनों पे चल रही है आई एस पीसी बाई एग्जामपुर भी और जो इस चैनल पे भी चल रही है तो ये इंग्लिश मीडियम का चैनल ठीक है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के ये चैनल है इस पर आप जो है इसको फॉलो कर लीजिए ठीक है और हिंदी वाले हिंदी पे ही रहे क्लियर यहां पे तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया में जो वेजिटेशन के टाइप्स हैं वो ऑलमोस्ट जितने वर्ल्ड में पाए जाते हैं वो सारे के सारे टाइप इंडिया में पाए जाते हैं ठीक है द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द क्लाइमेटिक कंडीशन ये हम लोग अभी शुरू से मैं आपको कई बार बताया कि जो नेचुरल वेजिटेशन में चेंज हो रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है कि क्लाइमेटिक चेंज जब क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गई तो नेचुरल वेजिटेशन भी चेंज होते जाएंगे यानी क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होगी तो नेचुरल वेजिटेशन भी क्या होंगे चेंज होते जाएंगे जैसे राजस्थान में नेचुरल वेजिटेशन कुछ और है बट अगर आप हिमाचल प्रदेश में चले जाओ तो वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है राजस्थान की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है अगर आप तमिलनाडु में चले जाओ वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है मेघालय में चले जाओ तो वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है तो सारी जगहों पर जाने पर आपको वेजिटेशन में भी चेंज देखने को मिलेगा ठीक है यानी क्लाइमेटिक कंडीशन को समझने के लिए कई बार वेजिटेशन की स्टडी किया जाता है और उसी स्टडी के आधार पे क्लाइमेट को समझा जा जाता है तो आपको ये पॉइंट समझना है कि कि क्या बोला गया कि है क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होता इसलिए ऐसा होता है लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट टाइप ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड विदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड द वाइल्ड लाइफ इनहेबिटिंग ठीक है और अब हमें आगे क्या करना है कि हमने ये देखा कि बहुत सारे वेजिटेशंस में वेरिएशन हो रहा है तो कौन कौन से वेजिटेशन पाए जाते हैं और उन वेजिटेशन एरियाज में किस टाइप के वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं यानी किस टाइप के जीव जंतु वहां पे पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म किस टाइप के पाए जाते हैं इन सभी को हम लोगों को देखना है कि किस टाइप के ऑर्गेनिज्म पे एग्जिस्ट यानी एग्जिस्ट करते हैं क्लियर यहां तक की बात है अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं टाइप ऑफ द वेजिटेशन में और मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ द वेजिटेशन में हम लोगों ने तीन टाइप देखा पहला तो फॉरेस्ट तो अब ये फॉरेस्ट में कितने टाइप्स होंगे इसको हम लोग पढ़ेंगे और तीसरा जो है वो, तो फॉरेस्ट में कितने टाइप होते हैं ग्रासलैंड में कितने टाइप होंगे में कितने टाइप्स होते हैं अब इसको एक एक करके देखते हैं पहले आपको वेरिएशन बताया गया फिर एक एक टाइप बताया जाएगा ठीक है एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां देखो द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इज द इज इन ब्राज़ील इज सो एनॉर्मस दैट इट इज़ अ लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ कैन यू टेल वाई ठीक है चलो ये अभी क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को मैं भी आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है तो इसके पहले हम लोग ट्रॉपिकल एवरग्रीन से रिलेटेड क्वेश्चन को देखें उससे पहले हम लोग पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को देख लेते हैं कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है इसको समझ लेते हैं फिर आपको ये ध्यान रखना है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो ब्राजील का ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसको लंग ऑफ द हर्थ अर्थ क्यों कहा जाता है उसके पीछे का लॉजिक क्या है ठीक है देखो फॉरेस्ट की पहली टाइप हमने देखा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट अब यहाँ पे जो ये ट्रॉपिकल वर्ड आया है ये इस ट्रॉपिकल वर्ड का मतलब होता है कि इक्वेटर यानी इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का एरिया ठीक है एवरग्रीन फॉरेस्ट ठीक है एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब हुआ कि ऐसा फॉरेस्ट होगा जो हमेशा कैसे दिखाई पड़ रहा होगा ग्रीन यानी कभी भी इसमें जो है वो लीप शेड की कंडीशन नहीं होगी ठीक है और आप लोग अपनी हैबिट बना लो जैसे जैसे आप एडवांस लेवल पे जाओगे वर्ड्स को ब्रेक करना आना चाहिए आपको ठीक है वर्ड्स को हम लोग ब्रेक करके सीखेंगे अब देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी इसका पहले तो आपने देखा पहला वर्ड क्या बता रहा है कि किस एरिया का फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल वर्ड का बता रहा है लोकेशन बता रहा है एवरग्रीन जो है वो बता रहा है उसका फीचर और अगला जो बता रहा है वेजिटेशन ऑफ टाइप ऑफ वेजिटेशन जैसे आप इसको तीन वर्ड देखो तो ये क्या बता रहा है लोकेशन ये क्या बता रहा है उसका फीचर और ये क्या बता रहा है टाइप ऑफ वेजिटेशन ये तीनों वर्ड्स आपको रिलेट करना है ठीक है ठीक फॉरेस्ट आर कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी आपको एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ठीक है ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अब ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्यों होता है ये अभी मैं आपको समझा रहा हूं पहले आप इसको रीड कर लो दिस थिक फॉरेस्ट अकर्स इन द रीजन नियर द इक्वेटर एंड द क्लोज टू द ट्रॉपिक्स यानी ये क्यों कहलाते हैं क्योंकि ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये कैसे नेचर में है थिक फॉरेस्ट और ये कहा लाई कर रहे हैं तो इक्वेटर और ट्रॉपिक इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के बीच में क्लोज टू द ट्रॉपिक्स यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉट और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस एरियाज में ये लाई करते हैं और ये कैसे नेचर में है तो ये थिक फॉरेस्ट है थिक मतलब क्या हुआ कि इनकी डेंसिटी ज्यादा है ये डेंस फॉरेस्ट है दीज आर द डेंस फॉरेस्ट तो आप देखो अगर हमसे कोई पूछे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की आपकी खासियत बतानी है तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे दीज आर डेंस फॉरेस्ट दीज आर द डेंस फॉरेस्ट दिस इज ऑल्सो नोन एज द ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसका नाम दिया जा रहा है इसका मतलब इसमें रेन का यूज कहीं ना कहीं जरूर होगा रेन के इसके ऊपर इफेक्ट जरूर पड़ रही होगी ठीक है दीज रीजन द रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर अब देखो आगे रीजन बताया गया कि दीज रीजन रिसीव द हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर यानी इनमें हैवी रेनफॉल होता है और वो भी थ्रू आउट द ईयर यानी पूरे साल भर होता रहता है ऐसा नहीं कि लिमिटेड टाइम पीरियड में होता है ये थ्रू आउट द ईयर होता रहता है ठीक है तो आपने देखा कि ये एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां पर पाए जाएंगे ऐसे रीजन जहां पे हाई टेम्परेचर हो और रेनफॉल रेनफॉल हो और हेवी भी कितनी ड्यूरेशन में थ्रू आउट द ईयर ठीक है यानी अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट तो आप पहले कंडीशन बताओ क्या हाई टेम्परेचर दूसरा हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर यानी दूसरा कंडीशन क्या होगी हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर And generally these forests are found near the tropical region, in the tropical region near the equator and the tropics. As there is a particular uh, no particular dry season, the trees do not, do not shed their leaves altogether. These reasons as there is a no particular dry season. यानी ये जो एरिया होता है इसमें कोई भी पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं होता है यानी ड्राई सीजन का मतलब जब रेनफॉल नहीं होगी तो ड्राई सीजन नहीं होगा मतलब रेनफॉल नहीं होगी तो ड्राई सीजन होगा बट हमने देखा पूरे रेनफॉल होती है तो ड्राई सीजन का कोई चांस ही नहीं है और जब ड्राई सीजन नहीं होगा तो ड्राई सीजन में ही क्या होते हैं सारे जो प्लांट्स होते हैं वो ट्रांसपेरेशन के रेट को डिक्रीज करने के लिए अपनी सभी लीव्स को एक साथ क्या करते हैं शेड कर देते हैं बट ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपनी सभी लीव्स को यानी सारी लीव्स को एक साथ नहीं गिराते हैं ठीक है ये चीज़ ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस हम कभी ये नहीं कहेंगे कि नेवर हम बोलेंगे दीज प्लांट्स नेवर शेड देयर लीव्स ऑल टूगेदर यानी सारी लीव्स को एक साथ नहीं गिराते ऐसा नहीं कि इनकी पत्तियां गिरती नहीं जो पेड़ में आ गई हमेशा लगी रहेगी वो गिरेगी लेकिन एक साथ नहीं गिरेगी सारी एक साथ नहीं गिरेगी ठीक है ऑप्शनल सब्जेक्ट का बेटा अभी मैं बाद में बता दूंगा अभी जो क्वेरी है आपकी ठीक है दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड एवरग्रीन वाई दिज फॉरेस्ट आर द एवरग्रीन फॉरेस्ट बिकॉज दे ऑलवेज लुक एज अ ग्रीन बिकॉज दे नेवर शेड ऑल टूगेदर एट द सेम टाइम क्लियर तो आपको ये पॉइंट समझ में आया कि इनको एवरग्रीन क्यों कहते हैं ठीक है आप इसको देखो एक एक लाइन हम पढ़ते चले फिर जब जैसे मैं पूरा होगा इसको मैं आपको आप अपनी लैंग्वेज में आपको समझाता हुआ चलूँगा द कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस ट्री डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनेट्रेट इन साइड द फॉरेस्ट इव एन द डे टाइम ठीक है अब इसमें क्या बोला गया कि ये जो फॉरेस्ट होते हैं इनकी जो कैनोपी होती है वो इतनी ज्यादा डेंस होती है कि या इनकी जो कैनोपी होती है वो डेंस होती है और जिसकी वजह से यहाँ पर जो सन रेज है वो सन रेज भी अलाउड नहीं होता जैसे मान लो एक कोई ट्री है और ट्री की कैनोपी इस टाइप से है दूसरा ट्री इसी के आसपास में है तो ये कैनोपी यहाँ पे तीसरा ट्री ये तो इसकी कैनोपी यहाँ पे मिली हुई तो आप ये सोचो कि जब सारे प्लांट्स सा आपस में जुड़े हुए इतने डेंस हैं तो यहाँ पे अगर सनलाइट आएगी तो सनलाइट क्या यहाँ नीचे तक पहुँच पाएगी इस एरिया में पहुँच पाएगी तो यहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाती तो ये इतने डेंस होते हैं कि ये सनलाइट को ग्राउंड लेवल तक नहीं पेनेट्रेट होने देते सन जो है वो सनलाइट ऊपर ही रह जाती है किसी प्लांट के नीचे देखो तो प्लांट के नीचे आपको एक शेडो एरिया मिलेगा और उस शेडो एरिया में सनरेज डायरेक्ट जो है वो पेनेट्रेट नहीं हो पाती लेकिन किसी एक एक एरिया में में अगर सारे प्लांट साथ ऊपर लगे हुए हैं तो आप ये सोचो नीचे का जो इसका एरिया होगा जहां पे उसकी रूट होती है या जो उसका ग्राउंड लेवल होगा उस ग्राउंड लेवल पे तो सनरेज आ ही नहीं पाती तो इतनी ज्यादा डेंसिटी होती है इन प्लांट्स की एवरग्रीन फॉरेस्ट की जो है डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है ठीक है हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड एबोनी महोगी आर कॉमन हेयर ठीक है तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स बताइए ठीक है तो आपको एग्जाम्पल में इनका नाम याद रखना है ये इंपॉर्टेंट है ये आई ए एस में पूछा जा चुका है यूपीएससी में पी टी में पूछा जा चुका है ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है रोजवुड एबोनी और मोहोगी ये जो है ये तीनों प्लांट्स हैं और ये तीनों जो ट्रीज हैं ये कैसे है? हैं हार्ड वुड यानी इनकी लकड़ियां कैसी होंगी हार्ड होंगी और ये किस एरिया में पाए जाएंगे तो ये एवगिन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है तो इक्वेटर और उसके आसपास के एरिया में इनको ये देखने को मिलते हैं ठीक है तो ट्रॉपिकल एवगिन फॉरेस्ट में आपने इतने पॉइंट्स को समझा और ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन सभी पॉइंट्स को आपको समझ के रखना है देखो इसका कुछ एग्जाम्पल देखो ये आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई पड़ा होगा कुछ इत, इतनी इस तरीके से डेंस होते हैं अब आप सोचो इस तरीके से अगर ये डेंस होंगे तो सनरेज जो है वो प्लांट यानी नीचे जमीन तक कैसे पहुंच पाएगी तो सनरेज नीचे तक नहीं पहुंच पाती तो आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसी जगह पर होंगे जहां पे हाई टेम्परेचर ठीक है हाई टेम्परेचर हाई प्रेसिपिटेशन यानी हाई रेनिंग ठीक है ये दो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होना चाहिए इनकी खासियत क्या होगी इनकी जो होती, वो कैसे होती, होती। इनका आपने देखा, है ठीक ये आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखो एक, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख लेते हम लोग डू यू नो एनाकोंडा वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक्स इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच है क्रोकोडाइल ठीक है तो एनाकोंडा आप लोगों ने देखा भी होगा और एनाकोंडा जब आपने देखा होगा तो वो जो एनाकोंडा होता है वो इसी टाइप के फॉरेस्ट में पाया जाता है और ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये जो एनाकोंडा होता है ये बड़े बड़े जानवरों को भी मार सकता है जैसा क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल खुद हंट करता है हंटिंग करता है लेकिन क्रोकोडाइल की भी हंटिंग ये कर सकता है तो ये आपको ध्यान रखना है ठीक है देखो दूसरा टाइप का फॉरेस्ट आ गया यानी फॉरेस्ट में आपने देखा पहला टाइप जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और दूसरा जो टॉप फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अब उसके पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया वो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि अमेजन जो एरिया है उस अमेजन एरिया को हम लोग हल्ट या लंग ऑफ द अर्थ क्यों कहते हैं वो ब्राजील का एरिया है ठीक है उसको क्यों कहा जाता है देखो जो इक्वेटर का एरिया है ठीक है इस इक्वेटर के एरिया में हाई टेम्परेचर होता है हाई टेम्परेचर होगा तो हाई रेनफॉल होती है यहां पे अभी आपने देखा और हाई रेनफॉल कैसे होती है थ्रू आउट द ईयर यानी पूरे साल भर बारिश होती है तो ऐसे में यहां पर जो एरिया होगा इस एरिया में जो प्लांट्स होंगे उनको वाटर सप्लाई भी लगातार मिल रही है उनको क्या हो रही है टेम्परेचर भी मिल रहा है सब कुछ मिल रहा है तो उनकी फॉरेस्ट डेंसिटी भी क्या होगी ज्यादा होगी प्लांट नंबर ऑफ प्लांट्स भी ज्यादा होंगे ठीक है और उनकी हाइट वगैरह भी क्या होती है ज्यादा होती है ठीक जो हमारा अमेजोन क्षेत्र है यानी जो साउथ अमेरिका का रीजन है ठीक है मान लेते हैं साउथ अमेरिका का एरिया तो साउथ अमेरिका का ये साउथ अमेरिका के एरिया है तो साउथ अमेरिका में इस रीजन में एक रिवर फ्लो होती है और इसको हम लोग कहते हैं अमेजोन रिवर ठीक है river. तो अमेजन रिवर जाकर यहाँ पे फ्लो होती गिर जाती है तो अमेजॉन रिवर का जो ये पूरा एरिया है ये वाला एरिया ठीक है इस अमेजॉन रिवर का जो बेसिन है यहाँ पे फॉरेस्ट डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और फॉरेस्ट डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होती है इस कारण से अमेजॉन क्षेत्र में जो फॉरेस्ट डेंसिटी है वो फॉरेस्ट डेंसिटी ज़्यादा होती है और फॉरेस्ट डेंसिटी ज्यादा होती है तो इस एरिया में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्बशन और ऑक्सीजन का जो है वो रिलीज सबसे ज्यादा होता है इस जगह पर गैस एक्सचेंज होती है और इसी कारण से इस अमेजोन बेसिन को या अमेजोन फॉरेस्ट को जो कि बेसिकली ज्यादा इसका जो एरिया है वो ब्राजील के क्षेत्र में है इसको हम लोग क्या बोलते हैं अर्थस लंग पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है अर्थ लंग कहा जाता है ठीक है अर्थ लंग कहा जाता है और साथ ही साथ में आप देखोगे कि पिछले साल यहाँ पे ये जो अमेजन फॉरेस्ट है यहाँ पे आग लग गई थी ठीक है यानी फॉरेस्ट फायरिंग हो रही थी तो फॉरेस्ट जब फायरिंग हो रही थी तो आप न्यूज में पढ़ते रहोगे तो वहां पे हमेशा मिलता था अर्थ लंग इज बर्निंग अर्थ लंग इज द बर्निंग यानी धरती का जो फेफड़ा है वो जल रहा है वो इसलिए क्योंकि इसको हम लोग अर्थस लंग कहा जाता है कहते हैं ठीक है तो आपने एक यहाँ पे देखा कि फॉरेस्ट का एक जो टाइप होता है वो कौन सा होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट अब जो ट्रॉप फॉरेस्ट का जो दूसरा टाइप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट यानी सेकंड टाइप ऑफ द फॉरेस्ट इज द ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट तो आप ये देखो कि जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है पूरे साल भर बारिश होती है वहां पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है और ऐसा एरिया जहां पे पूरे साल भर बारिश नहीं होती है यानी जहां पे पूरे साल भर बारिश नहीं होती एक एक ऐसा टाइम होता है जब वो एरिया ड्राई हो जाता है यानी कुछ रीजन कुछ टाइम पीरियड तक बारिश होती है और कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है जो ड्राई पीरियड होता है तो ऐसे में वो जो पीरियड होता है वहां पर उस समय जो पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स क्या करते हैं अपनी सभी लीव्स को एक साथ शेड कर देते हैं यानी अपनी सभी लीव्स को एक साथ शेड कर देते हैं गिरा देते हैं इसलिए गिरा देते हैं जिससे वो वाटर को क्या कर सके स्टोर कर सके या वाटर को सेव कर सके कंजर्व कर सके तो वाटर कंजर्वेशन के लिए वो सभी लीव्स को एक साथ में शेड कर देते हैं ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं डेसीडुअस फॉरेस्ट या डेसीडस प्लांट कहा जाता है और ये लेस रेनफॉल के एरिया में पाए जाते हैं ठीक है ठीके? तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं आपके पास में वो पढ़ लेना फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे ठीक है तो थैंक यू सो मच मिलते हैं कल तीन बजे